वेल तो अगर दोस्तों आप एक वाईफाई कनेक्शन एक वाईफाई सेटअप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं बट दोस्तों वाईफाई के बारे में आपको किसी तरह से कोई भी जानकारी नहीं है एंड साथ ही आपको ये भी नहीं पता है कि आप किस तरह से एक बेस्ट वाईफाई कनेक्शन आप अपने घर पे लगवा सकते हो तो डोंट वरी दोस्तों आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए हो बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से दोस्तों आप एक बेस्ट वाईफाई कनेक्शन एक बेस्ट वाईफाई सेटअप आप अपने घर पे लगवा सकते हो एंड साथ ही आपको कितना पैसा पे करना पड़ सकता है एक वाईफाई कनेक्शन लगवाने के लिए अपने घर में वो सारा चीज आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाला है अगर दोस्तों आप एक वाईफाई कनेक्शन एक वाईफाई सेटअप आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं तो एक ही चीज बोलूंगा हर बार की तरह वीडियो को मिस मत करना बस वीडियो को एंड तक देखना तो चले करते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं किस तरह से एक वाईफाई कनेक्शन एक वाईफाई सेटअप अपने घर पे लगवा सकते हैं बट दोस्तों इससे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एक वाईफाई कनेक्शन अपने घर पे लगवाने के लिए क्या आपके घर तक कोई भी कंपनियां हैं जैसे जियो है एयरटेल है BSNL है इस तरह के जो भी पॉपुलर कंपनियां हैं जो कि आपको वाईफाई का सर्विस प्रोवाइड करता है तो क्या ये लोग कैपेबल हैं आपके घर तक आपके तक एक वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इसे आप किस तरह से पता लगा सकते हो सपोज डेट कि आपको एक जियो का वाईफाई चाहिए जियो का आपको एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए तो सिंपली से आप प्ले स्टोर पे जाओ एंड माय जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड वहां पे फाइबर सेशन में जाके वहां पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट ए जियो फाइबर तो उस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस नंबर फोन नंबर पिन कोड ये सारा डिटेल्स दोगे एंड जैसे ही आप ये सारा डिटेल्स दोगे तो सिंपली से वहां पे आपको बता देगा या फिर करेंटली उसी समय इंस्टेंटली आपका पिन कोड देख के आपको बता देगा कि वो कैपेबल है या फिर नहीं या फिर आप अपना सारा डिटेल्स को सबमिट करोगे एंड सबमिट करने के बाद आप कुछ देर के बाद आपको उधर से कॉल आएगा जियो की तरफ से एंड वो बता देंगे कि आपके एरिया तक आपके घर तक वो कैपेबल हैं एक वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या फिर नहीं। तो ये एक तरीका हो गया एंड एक तरीका और है दोस्तों सिंपली से आप गूगल पे जाओगे एंड वहाँ पे आप लिखोगे गेट ए जियो फाइबर कनेक्शन तो सिंपली से ये जैसे लिखोगे दोस्तों आपके सामने माई जियो का जो ऑफिशियल पेज है वो निकल के आ जाएगा एंड वहाँ पे सेम तरीके से जिस तरह से आपने माई जियो एप्लीकेशन पे अपना सारा डिटेल्स को फिल किया था तो सेम इस पे भी आप सारा डिटेल्स फिल करोगे एंड यहाँ पे भी आपको कॉल करके बता दे या फिर इंस्टेंटली तुरंत ही बता दे आपका पिन कोड देख के कि वो कैपेबल है आपके तक एक वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या फिर नहीं। एंड सेम इसी तरीके से और भी जो कंपनियां एयरटेल है तो एयरटेल का पता करना चाहते हो तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सेम प्रोसेस आप फॉलो करके अपना डिटेल्स वगैरह भर के वहां से भी आप पता कर सकते हो कि एयरटेल वाले कैपेबल हैं आपके घर तक एक वाईफाई कनेक्शन देने के लिए या फिर नहीं। सेम तो यहाँ पे आप गूगल पे भी कर सकते हो अगर एयरटेल का आप एक वाईफाई कनेक्शन लेना चाहते हो वहाँ पे भी आप एयरटेल का ऑफिशियल पेज पे जाके अपना डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो एंड वहाँ से भी आपको बता दिया जाएगा। एंड इसी तरह के भी और भी जो प्रोवाइडर है पॉपुलर BSNL का कनेक्शन आप ले सकते हो इसी तरह से जो भी और भी वाईफाई प्रोवाइडर है तो सेम तरीके से आप उनका भी डिटेल्स निकाल सकते हो कि वो कैपेबल हैं या फिर नहीं। अगर दोस्तों इस स्टेप का अगर ये चीज़ आप पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हो किस तरह से आप किसी को भी आप किसी के एरिया का पता लगा सकते हो किसी भी कनेक्शन के बारे में कि वो कैपेबल हैं आपके घर तक एक कनेक्शन देने के लिए या फिर नहीं तो आप कमेंट में बता सकते हो एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं आपको कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे आपको एक वाईफाई कनेक्शन दिया जा सकता है या फिर नहीं। एंड दोस्तों जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स वगैरह उस पेज पे भरते हो तो साथ साथ जैसे ही आप अपना डिटेल्स भरते हो अगर वो कैपेबल हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों एक तरह से आपने अप्लाई कर दिया है कि आपको एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए आपको एक वाईफाई सेटअप चाहिए अपने घर पे एंड जैसे ही आप अपना डिटेल्स वगैरह फिल करोगे तो इंस्टेंटली कॉन्टैक्ट करेगा आपको एंड आपको बता देगा कि वो कैपेबल है या फिर नहीं। अगर आप एग्री हो वाईफाई लगवाने के लिए तो सिंपली से उनको बोल सकते हो एंड वो आएंगे आपको कनेक्शन लगा देंगे एंड आप बहुत ही आसानी से अपने वाईफाई को बहुत ही अच्छे स्पीड में यूज कर सकते हो। इनकेस दोस्तों मानो अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो अभी करंटली आप जहां पर भी रहते हो तो वहां पे ये जो पॉपुलर कंपनियां है जियो एयरटेल BSNL इस तरह के जो भी पॉपुलर कंपनियां वो सब आपको वाईफाई प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको सिंपली से करना क्या होगा गूगल ओपन करना होगा एंड आपको सिंपली से वहां पे लिखना होगा वाईफाई प्रोवाइडर नियर मी। जैसे ही आप ये लिखोगे तो सिंपली से जैसे जो भी लोकल वाईफाई प्रोवाइडर हैं जो भी लोकल और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो एयरटेल BSNL इस तरह के ही कंपनियां वाईफाई प्रोवाइड करने वाले और भी बहुत सारी कंपनियां हैं तो जैसे ही आप ये लिखोगे आपके सामने बहुत सारे नंबर नाम डिटेल्स वगैरह निकल के आ जाएगा जो कि दोस्तों लोकल वाईफाई प्रोवाइड करते हैं आपके एरिया में
एंड वहाँ पे उसका रेटिंग देख के आप सिंपली से वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड उनसे आप पूछ सकते हो, वो सब आपके लोकल के होते हैं तो उनसे आप बात कर सकते हो कि मुझे एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए, तो वो बता देंगे कि वो कैपेबल हैं या फिर नहीं, अगर कैपेबल हैं तो क्या चार्जेस है, उनका क्या प्लान है। तो ये भी एक तरीका है, अगर इनकेस अगर आपके पास आपके घर तक जो भी पॉपुलर कंपनियाँ हैं वो सब प्रोवाइड नहीं कर पाते तो फिर आप ये तरीका अपनाना, अगर वो इसे प्रोवाइड कर पाते हैं तो फिर आप दोस्तों उन्हीं पॉपुलर कंपनियों की तरफ जाना, जियो एयरटेल, बिकॉज वो सब सस्ते होते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड वगैरह देते हैं। तो अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया किस तरह से आप एक वाईफाई कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड साथ ही साथ किस तरह से आप पता कर सकते हो कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर नहीं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाईफाई प्रोवाइडर तो बहुत सारे हैं, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है या फिर बहुत सारे लोकल भी वाईफाई प्रोवाइडर हैं, बट दोस्तों इन सारे में से आपके लिए कौन सा एक वाईफाई कनेक्शन बेस्ट है, आपको किसके तरफ जाना चाहिए। तो अगर मैं बताऊँ दोस्तों तो जो भी पॉपुलर कंपनियां जैसे कि एयरटेल हो गया, बिजियो हो गया, तो आप ज़्यादातर कोशिश करना कि इन्हीं दोनों ऑपरेटर का आप एक कनेक्शन लो। इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि ये जो दोनों ऑपरेटर हैं, ये जो दोनों कंपनियां, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छे स्पीड देते हैं, अच्छा फीचर्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही चीप रेट में। तो ये दोनों जो दोस्तों एयरटेल एंड जियो, ये दोनों कंपनियां जो दोस्तों बेस्ट कंपनियां हैं, एंड आगे बताऊंगा दोस्तों कि इसका रेट क्या है, वो सब थोड़ा मोड़ा मैं आपको बता दूंगा कितना इंस्टॉलेशन चार्ज आपको लगेगा। एक बात और उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, ये जो लोकल प्रोवाइडर होते हैं तो कोशिश करना दोस्तों, अगर ये जो लोकल प्रोवाइडर तो उनका आप यहाँ पे सर्विस मत लो। अगर आपके एरिया तक पॉपुलर कंपनियां जियो एयरटेल ये दोनों कंपनी अगर आपके तक वाईफाई कनेक्शन नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, देन तो आप लोकल ऑपरेटर के पास, लोकल प्रोवाइडर के पास आप जा सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पे ये दोनों कंपनियां एयरटेल एंड जियो प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप दोस्तों आंख मुन के इनके तरफ चल जाना, इनका एक वाईफाई कनेक्शन ले लेना। तो पहले हम जियो की बात करते हैं, जियो में आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा वाईफाई कनेक्शन लगाने के लिए, तो आपको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एंड आपको 1500 रुपीज़ जैसे ही आप पे करोगे आपके घर पे बंदे आएंगे एंड आपको दोस्तों वाईफाई लगा देंगे, एंड आपको फर्स्ट मंथ के लिए दोस्तों 150 एमबीपीएस का स्पीड देंगे। एक बात मैं बता चाहता हूँ, ये जो 1500 रुपीज़ आप जियो में पेड करोगे वो दोस्तों एज ए सिक्योरिटी मनी पे करोगे, आपसे ऐसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है, फर्स्ट मंथ के लिए आपको फ्री में यूज करने दिया जाता है, आपको 150 एमबीपीएस स्पीड दिया जाता है, डाउनलोड अपलोड दोनों फ्री, कॉलिंग दिया जाता है। एंड अगर दोस्तों सपोज डेट की अगर आप एक मंथ यूज करते हो एंड जियो का आपको सर्विस पसंद नहीं आता, अगर आप कैंसिल करते हो देन दोस्तों जियो जो आपसे 1500 रुपया लिया था इंस्टॉलेशन के वक्त तो वो आपको वापस कर देगा एंड अपना वहां से सेटअप कट आउट करके लेके चला जाएगा, जो कि मुझे दोस्तों जियो का सबसे अच्छा चीज लगा। एंड पिछले एक दो मंथ से मैं जियो का वाईफाई यूज कर रहा हूँ एंड मुझे अच्छा खासा स्पीड भी प्रोवाइड करता है। आपको अगर मिनिमम अगर बात करो कि मंथली आपको कितना रिचार्ज कराना पड़ेगा तो इसका जो सबसे मिनिमम पैक है वो आपको दोस्तों 470 रुपीज़ का आ जाता है, जिसके साथ दोस्तों आपको 30 एमबीपीएस का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड देखने को मिल जाता है, अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल जाता है, फ्री कॉलिंग भी देखने को मिल जाता है, तो मात्र दोस्तों 470 रुपीज़ में। तो मैं बोलूँगा आप जियो के तरफ भी जा सकते हो, जियो भी एक अच्छा नेटवर्क है। वहीं पे अगर बात करो एयरटेल की तो एयरटेल में दोस्तों आपको 1700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के बाद। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जाता है, यहाँ पे आपको दोस्तों इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जाता है। 1700 रुपीज़ दोगे तो आपको उनका जो भी प्लान है 100 एमबीपीएस फर्स्ट मंथ के लिए, पहले ट्रायल के लिए आपको देंगे एंड वहाँ पे अनलिमिटेड डाटा भी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी कॉलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर बात करें कि एयरटेल एंड जियो में इन दोनों कंपनियों में से कौन सी एक बेस्ट वाईफाई कनेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, तो फिर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ एयरटेल, बिकॉज एयरटेल स्पीड अच्छा है, डाउनलोड स्पीड अच्छा है एंड अपलोड स्पीड भी अच्छा है, इसका ऑल ओवर बात करो तो बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो जियो भी कम नहीं है, लेकिन जियो से कंपेयर एयरटेल कुछ ज्यादा अच्छा है, कुछ अच्छा यहाँ पे आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर थोड़ी महंगा पड़ जाएगा आपको, लगभग 100 रुपया 150 रुपया आपको महंगा पड़ जाता है यहाँ पे ये एयरटेल, एंड वहीं पे जियो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। बट ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जियो मत ही लगाओ, जियो भी अच्छा कनेक्शन, अगर आप डे टू डे लाइफ यूज करोगे, वीडियो देखोगे अच्छे क्वालिटी में, गेमिंग करोगे, तो इस सब में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर एयरटेल की बात करें तो सबसे मिनिमम कितना रिचार्ज करना है, तो यहाँ पे अभी आपको दोस्तों 500 का रिचार्ज करना है, यहाँ पे 40 एमबीपीएस का स्पीड देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड भी अपलोड भी दोनों 40 एमबीपीएस का, एंड फ्री कॉलिंग यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी दोस्तों आपको अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी जियो या एयरटेल यही दोनों जो कनेक्शन है इसी दोनों में से एक लगा लेना। एंड
दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बातें मैं बताता हूँ अगर आप वाईफाई के बारे में नहीं जानते, बट आपको जान लेना चाहिए अगर आप एक वाईफाई कनेक्शन फर्स्ट टाइम लगवा रहे हो, आप इससे पहले कभी वाईफाई नहीं यूज़ किया हो, तो यहाँ पे कुछ बातें वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये, अगर आप एक वाईफाई कनेक्शन लगाते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको 24 आवर लाइन चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिकॉज ये जो राउटर होते हैं, जो राउटर आपको दिया जाता है, तो उसे हमेशा 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी आपको इंटरनेट वो प्रोवाइड करेगा। एंड जैसे ही आपके घर में लाइन कट गया तो वो वाईफाई भी बंद हो जाएगा। एंड एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों ने तो ये सुना होगा मुझे 150 Mbps का स्पीड मिलता है, मुझे 200 Mbps का स्पीड मिलता है। अगर दोस्तों आपके डाटा में आप अगर 200 Mbps का प्लान लेते हो तो आपको वहां पे दोस्तों 20 Mbps 30 Mbps तक ही मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको 150 Mbps का 200 Mbps का स्पीड मिलेगा, एक्चुअली में आपको दोस्तों 20 Mbps ज्यादा से ज्यादा 30 Mbps का स्पीड देखने को मिलेगा। ये बात आप क्लियर कर लेना, वहां पे आपको इतना ज्यादा स्पीड नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, मिल सकता है एक कंडीशन में अगर आपका फोन अच्छा है, आपका फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे 40 Mbps 50 Mbps का स्पीड देखने को मिलेगा। अगर वो सोचोगे कि मुझे हर सेकंड आपको 150 Mbps का अगर प्लान है तो आपको 150 Mbps का स्पीड मिलेगा, 200 Mbps का स्पीड मिलेगा, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से जान लेना। तो यही कुछ बातें थे जो मुझे बताना आपको सही लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि दोस्तों अगर आप ये वीडियो को अच्छी तरह से देखे हो तो आसानी से आप अपने लिए एक बेस्ट वाईफाई कनेक्शन आप अपने घर पे लगवा सकते हो। एंड साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अगर आपको इसी तरह के और भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।